हमारे यहाँ कोई जीपीएस नहीं, हमारे यहाँ कोई जीपीएस नहीं। आप पूछ लो, कोटा में देख लो अग्रवाल साहब की कोठी कहाँ है, कल्लू पनवाड़ी से तीसरी। रात को अगर नगर परिषद वाले कल्लू का खोखा उठा ले जाएंगे तो 5 करोड़ की कोठी जीपीएस से गया। बसंत कुंज में मैंने देखा एक डीपीएस की पड़ी हुई लड़की, उससे कह रही थी भुट्टे वाले से, अंकल ये हैंडल वाला पॉपकॉर्न हमको भी दे। हाँ मिलेगा आपको नायग्रा फॉल पे, देसी आपको खड़ा हुआ। भाभी जी प्लीज बच्चे को चुप कर दीजिए, मैं जानता हूँ ये कठिन काम है, लेकिन जब आप ठान लेती है तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। टेबल पर खाना खाने बैठे, आप चूल्हे के सामने खाना खाने बैठे, कोई टेक्निक इस बात को प्रूव नहीं करती, लेकिन ये होता है डेली। आप पहला कौर मुंह में रखते हैं और आपके चेहरे की लकीरों से मां समझ जाती है कि नमक कम है और वो आपके आगे नमक सरका देती है। केवल हिंदुस्तान का है, केवल मां के साथ है। इसीलिए हिंदी की कविता कहती है कि राम लिखा रहमान लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा, होड़ लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने सब दुनिया लिख डाली, मैंने मां का नाम लिखा। तब तुम क्या पढ़ा, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। इतना बढ़िया जनवादी कभी मैंने नहीं सुना। मैं बीए के पहली साल में मंच में आया था और प्रेम जी का जादू चलता था। अगर आप अनुमति दे तो मैं उनका एक वंश आपको सुनाऊं, बहुत सब लोगों को याद है। कहां है अतुल, कहां है, मैं सुनाता हूं आपको। कि तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो, थोड़ी थोड़ी सी मेरे यार, थोड़ी सी चाल तेज करो, तुम्हें ढोना है समय का भार, थोड़ी सी चाल तेज करो, कि मांगने से रोशनी मिलेगी ना कभी, रोशनी के वास्ते मशाल लाइए, मांगने से रोशनी मिलेगी ना कभी, रोशनी के वास्ते मशाल लाइए, जिंदा दिल जिंदगी से चाहते अगर, धीरे धीरे रक्त में उबाल लाइए, मुर्दा हो व्यवस्था तो बदल दीजिए, धीरे धीरे रक्त में उबाल लाइए, सूरज तिजोरियों में बंद हो अगर, तो तोड़िए तिजोरियां निकाल लाइए। उठ गया तो हम चाची के घर गए सुबह सुबह 5 बजे, हमें लगा चाची चाय पिलाएगी, चाची ने तो लठ फरसा दिया, पुलिस ने पीटा पहली बार पता चला कि लाठी बजने और ताली बजने में क्या है। और जागृत होके सुन लेना, अच्छे से होके सुन लेना, बिल्कुल चिंता मत करो, सोचो मेरी पगली लड़की में तेरी इतनी रुचि क्यों है यार, मैंने बड़ी मेहनत से पागल की, तू अपनी कर। 2 कमरे का मकान है, राखी पर 2 बहने आती हैं, रात को नीचे गद्दा बिछा कर सोते हैं और 12 बजे चाय पीते पीते कहते हैं छोटी वाली और आ जाती तो घर भरा भरा सा लगता। अच्छा अच्छा सा लगता। कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं। तो मेरा अफेयर चल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, वो राजस्थान की है, सोफाया की पड़ी हुई, अब हम तो सोफिया ही समझते थे, बोले सोफाया। वो उसने मुझे कहा कि एक बार मैं आपकी लाइफ में आ गई ना तो मैं आपके आधे दुख ले लूंगी। मैंने कहा दुख, अपनी लाइफ में तो दुख है ही नहीं। अरे बोले एक बार लाइफ में आने तो दो। जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, आजकल तो फेसबुक पे लिख देते, जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, और एक पंक्ति का आंसू अगर आप संभाल लेंगे तो मैं समझूंगा कि आपने कविता सुनी आज रात, मैं आपकी दाद और तालियां देखना चाहता हूं। जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, जब यह सारा उल्लास हमें, जब यह सारा उल्लास हमें खुद से मक्कारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बीच मक्कारी लगता है। और उस पगली लड़की गए थे तो वो दमास दमास सोने की दुकानों की बड़ी सी, तो मैं वहां हाथ पकड़ के घूम रहा था उसके, तो अतुल कनक जी भी गए थे, ये मुझसे बोले यार तुम बहुत प्रेम करते हो भाभी जी को, हाथ पकड़ के घूम रहे हो। मैंने कहा प्रेम नहीं है, हाथ छोड़ दो दुकान पे घुस जाती है यार। आखिरी गीत सुनाता हूँ आपको, पिछले 2 घंटे से आप सुन रहे हैं, आखिरी गीत सुनिए फिर विदा दीजिए मुझे भी और स्वयं को भी। हाँ मैं सुना रहा हूँ, आखिरी गीत सुनिए बहुत देर से। देखिए हिंदुस्तान में 200 करोड़ रुपए लगाकर 200 दिन में एक फिल्म बनती है जिसे 200 लोग मिलकर बनाते हैं, कौन सी, हैप्पी न्यू ईयर।
15 देशों की पुलिस ढूंढ रही है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, 500 रुपए वापस ला। लेकिन ये हिंदी का चमत्कार है कि मैं अकेला हूं, ना कोई संगीत है ना साज, और पिछले 2 घंटे से आप कविता सुन रहे हैं, आप भाषा बता दो। शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, आंखों में तिलका हो।